नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घुनेश्वर सिंह और आप अभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल BSS म्यूजिक। दोस्तों, क्या आप गाना लिखना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं? दोस्तों, तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि एक राइटर बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि गाना कैसे लिखा जाता है, शब्द कैसे लिखा जाता है और धुन कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर के और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। चेहरा तोहर नुराली जान मार लागला, चेहरा तोहर नुराली जान मार लागला, बिंदिया सजल लीला रे, हाँ बिंदिया सजल लीला रे, चार चांद लागला। अरे बिंदिया सजल लीला रे, चार चांद लागला। हाँ, तो दोस्तों, यह भोजपुरी रोमांटिक गीत है। पहले मैं इसका शब्द लिखा, शब्द लिखने के बाद में फिर इसका धुन बनाया। पहले मुखड़ी का धुन बनाया, फिर इसके अंतरे का धुन बनाया। दोस्तों, अंतरा कैसे है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। काली रे बदरिया के सिया भौवा कटार हो, तोह पे दीवाना दिलबा भइल हमार हो। काली रे बदरिया के सिया भौवा कटार हो, तोह पे दीवाना दिलबा भइल हमार हो। तोह पे दीवाना दिलबा भइल हमार हो, होठवा तोहर गुलाबी बेसुमार लागला, होठवा तोहर गुलाबी बेसुमार लागला, बिंदिया सजल लीला रे, हाँ बिंदिया सजल लीला रे, चार चांद लागला। अरे बिंदिया सजल लीला रे, चार चांद लागला। दोस्तों, एक ये पहला अंतरा हो गया, इसके बाद एक अंतरा और है। दोस्तों, ये जो शब्द मैं लिखा हूँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेपर का मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ऐसे ही पहले शब्द लिखिए, उसके बाद आप उसका धुन बनाइए और आगे मैं और वीडियो बनाता रहूँगा कि यहाँ दर्द भरी गाना आप कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, इस मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो अच्छी बात है। पहली नज़र में प्यार तोहरा से हो गई, कैलू का जादू तोहरा नहिया में खो गई। पहली नज़र में प्यार तोहरा से हो गई, कैलू का जादू तोहरा नहिया में खो गई। कैलू का जादू तोहरा नहिया में खो गई, तोह पे फिदा भइल बा दिल हमार लागला, तोह पे फिदा भइल बा दिल हमार लागला, बिंदिया सजल लीला रे, हाँ बिंदिया सजल लीला रे, चार चांद लागला। अरे बिंदिया सजल लीला रे, चार चांद लागला। चेहरा तोहर नुराली जान मार लागला, बिंदिया सजल लीला रे, हाँ बिंदिया सजल लीला रे, चार चांद लागला। अरे बिंदिया सजल लीला रे, चार चांद लागला। हाँ, तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।